Hi guys, welcome to my channel. So in today's video, I'll be sharing that Qatar Airways is hiring a sales operations agent in Mumbai. तो ये एक ground का operation है, एक ground की job है Qatar Airways की. तो जो भी candidates Mumbai में रहते हैं, you guys can give a try and apply. तो आप अप्लाई एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो. सो मैं आपको अब डिटेल में रिक्वायरमेंट सब बताऊंगी. सो या वॉच द वीडियो टिल द एंड फॉर कंप्लीट डिटेल्स. एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट रोल द इंट्रो. सो गाइस, द रिक्वायरमेंट्स आर, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 1 year ऑफ जॉब रिलेटेड एक्सपीरियंस. तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो. एंड आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है हाई स्कूल, दैट इज़ 10+2 आपका होना चाहिए, आप पास होने चाहिए. एंड आपका मिनिमम 1 year का जॉब रिलेटेड अगर कोई एक्सपीरियंस है, सो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज. तो आप वो एक एक्सपीरियंस डाल सकते हो. या अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है या कुछ किया है एविएशन में, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज होगा. एक्सपीरियंस इन रिजर्वेशंस और टिकटिंग, सेल्स सपोर्ट, ग्रुप सेल्स, टैरिफ्स, डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर आपका इन सब में से किसी में भी एक्सपीरियंस है, तो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज. तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी सिलेक्शन में. तो अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप वो डाल सकते हो. PC literate with good knowledge of MS Office, Word, PowerPoint, Excel. तो आपको MS की, Microsoft की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, MS Office, Word, PowerPoint and Excel की. तो जैसे कि मैंने MSCIT का कोर्स किया है, तो उसमें मुझे ये सारी चीज़ें आती है. तो अगर आपने भी कोई MSCIT का या कंप्यूटर कोर्स किया है, एंड बेसिक MS Office, PowerPoint, Word and Excel की आपको नॉलेज होनी चाहिए. एक्सेलेंट रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, आपकी रिलेशन बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप बात करने में बहुत अच्छे होने चाहिए. गुड नॉलेज ऑफ एयरलाइन प्रोसेसेस, दैट इज प्राइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, एग्जाम्पल MADS, GDSCS एंड ट्रैवल इंडस्ट्री इन जनरल. तो अगर आपके पास थोड़ी भी ऐसी एयरलाइन की ऐसी नॉलेज है, मतलब अच्छी नॉलेज है, जैसे कि अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्राउंड स्टाफ का कोई डिप्लोमा या एविएशन का कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो आप ट्राई कर सकते हो. जिसमें अगर आपको MADS, GDSCS जो है ये सिस्टम, या गैलीलियो या जो भी रहता है, अगर आपको उसकी ये रिजर्वेशन सिस्टम का ना एक रहता है रिजर्वेशन सिस्टम में, MADS, GDSCS, गैलीलियो और ये सब, तो अगर आपको उसकी थोड़ी भी नॉलेज है, अगर नॉलेज के बारे अगर आपको आता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट इट. एंड ट्रैवल इंडस्ट्री की इन जनरल आपको नॉलेज होनी चाहिए. यू शुड हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एफिशिएंसी ओरिएंटेड माइंडसेट. तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए एंड आपका माइंडसेट बहुत एफिशिएंट होना चाहिए. सो या गाइज, यू ऑल कैन अप्लाई ऑनलाइन. एंड जो ऑनलाइन अप्लाई करना है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. तो आपको मेल आएगा, अगर आपको वो लोग आपकी CV को पसंद करते हैं, अगर आपको सिलेक्ट करते हैं, तो आपको मेल करेंगे वो लोग, एंड देन दे विल एक्सप्लेन यू द फर्दर प्रोसीजर. तो या गाइज, गो एंड गिव अ ट्राई. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं ट्राई कर सकते हो, एटलीस्ट गिव अ ट्राई द पीपल हु आर फ्रॉम मुंबई. तो अगर हो सके तो आप सिलेक्ट हो भी जाओ, आपको पता ना चले. तो या जस्ट गिव अ ट्राई. एंड अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है और भी कि इस एग्जैक्टली क्या वर्क करना रहेगा आपको, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, तो मैं नीचे लिंक दे देती हूँ. तो आप वो लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हो. एंड देन मैं एप्लीकेशन की भी लिंक दे दूँगी, तो आप वो लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो. सो या गाइस, गो अहेड एंड अप्लाई द पीपल इन मुंबई. तो एक बहुत अच्छी चीज़ आई है, एक वैकेंसी आई है. तो गो अहेड एंड अप्लाई. एंड या इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, देन डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु एस्पायर टू बिकम a cabin crew or be a part of aviation industry. So yeah guys, that's it for the video. I'll see you all next time. Bye, take care of yourselves.